माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिन हमारा खत्म हो चुका है और हम जा रहे हैं अब कार में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं friends? आप लोग देखिए, हम लोग जिम से बाहर आ चुके हैं और अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। सॉरी राजीव, कैसा रहा जिम आज? बहुत बढ़िया, आधा घंटा का ट्रेडमिल किया, ट्राइसेप मारा। थोड़ा जोर से बोलिए। ट्रेडमिल किया, फिर देखिए मैं ट्राइसेप मारा। बहुत धूप आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, कृष्णा का दूध छोड़ना है वहाँ पे। दिखाते हैं सुबह का व्यू बस स्टैंड का, ऐसा रहता है। देख सकते हैं क्या मस्त बनाया है बस स्टैंड, उसके मकान अंदर चल के देखते हैं कैसा है। खूबसूरत है, इतना सारा बस लगा हुआ था कि ठीक से देख नहीं पाए। और हम लोग दूध रख दिए, अब चल रहे हैं घर। घर जाके युवान का लंच बनाना है। देख सकते हैं युवान के लिए मुझे सैंडविच बनाना है और सैंडविच बना रहे हैं हम। युवान के पापा लाए हैं इतना बड़ा बड़ा ब्रेड, तो आज हम युवान को लंच में सैंडविच तो नहीं बोलेंगे, सैंडविच में खड़ा प्याज टमाटर जाता है, मेरा बेटा खाता नहीं है, तो आलू डाल के चीज डाल के उसके लिए बनाएंगे। देखिए कैसे बना। युवान का सैंडविच बन गया है। युवान जाने वाला है स्कूल, उसके पापा का पहले नेल काट रहे हैं क्योंकि वो खुद से नेल काटते नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए उनका नेल हम काट रहे हैं। देख सकते हैं नेल काटने में बच्चा से भी ज़्यादा इसको उनको दिक्कत होता है, बहुत बहुत बदमाशी करते हैं नेल काटने में फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम आज मेहंदी लगाए हैं और अब मेहंदी हम सालों बाद लगाए हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं अच्छे तरीके से तो हुआ नहीं है, लेकिन बालों का केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा सारा बाल दो मुहा हो चुका था फ्रेंड्स, इसलिए मेहंदी लगाना ज़रूरी है। आप भी लगाइए, ये बात मेरे पतिदेव मुझे डेली समझाते हैं कि चेहरा का थोड़ा सा ख्याल रखो, बाल में मेहंदी लगाओ, पर हम इतने बड़े आलसी, हमसे नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। आप लोग भी लगाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे पति तो दिन प्रतिदिन और जवान होते जा रहे हैं, उनको टक्कर देना है, नहीं तो पता चलेगा उनसे पहले हम बूढ़े हो गए, है ना फ्रेंड्स। इसलिए सोचे कि लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बालों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। एक्चुअली युवान के पैदा होने के बाद फ्रेंड्स मेरा बहुत सारा बाल पक चुका है, तो बहुत सारा मैं ऐसा भी नहीं पकाया है कि दिखने लगे, अंदर में बाल पकने लगा, इधर का यहाँ पे जहाँ सिंदूर करते हैं वो सब जगह कवर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम 240 वाला दो पैकेट लगाए हैं पर मेरे पूरे बाल में नहीं हुआ है। हम इनको दिखाएंगे कि देखिए नहीं हुआ है मेरे बाल में, और भी लगता है। आप लोग भी लगाइए फ्रेंड्स और अपने जवानी को बरकरार रखिए, ज़्यादा बाल पकने मत दीजिए, जो पका हुआ उसको लाल कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।